हेलो स्टूडेंट्स बच्चों, ये हमारी 6 अगस्त की वर्कशीट है और इससे पहले हम 13 वर्कशीट कंप्लीट कर चुके हैं। 13 वर्कशीट, ये हमारी वर्कशीट नंबर 14 है और अगेन वही चैप्टर है, पहला ज्योग्राफी का, समकालीन भारत से, भारत की स्थिति और आकार से। यहाँ पर अब की बार हमें क्या देखना है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बेटा, जो इसमें मेन मेन बातें हैं वो हमें देखनी है और आपको वर्कशीट अच्छे से करनी है, क्योंकि अब की बार जो आपके एग्ज़ाम्स होने हैं वो आपके वर्कशीट के बेस पे ही होंगे। जो डिपार्टमेंट की तरफ से वर्कशीट आ रही हैं, तो आपको हर वर्कशीट जो अभी तक मैंने समझाई है अच्छे से कंप्लीट करनी है। जो डाउट्स आते हैं आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर चलो देखते हैं वर्कशीट को। वर्तमान में मुख्य बिंदु की बात कर रहे हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले कितने थे, 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अब कौन सा घट गया, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला है, ये वाला एरिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यूनियन टेरिटरी बन गया और एक राज्य जो था वो घट के 28 हो गए और जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो क्या हो गए, हमारे 8 हो गए। भारत की भूमि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो भारत की भूमि है उत्तर वाला ये वाला भाग हो गया और पश्चिम हो गया ये वाला, तो इसमें कौन सा है, यहाँ पर पाकिस्तान है और इधर ये एक गली की तरह निकलता है। ये देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से एक जैसे एक गली का रास्ता होता है, वैसे ही यहाँ से पाकिस्तान का रास्ता है जो भारत से टच होता है। तो उत्तर और पश्चिम में कौन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उत्तर में ये उत्तर वाला कौन सा हो गया, हमारा ये पार्ट है। उत्तर में चीन, यहाँ पर है तिब्बत वाला एरिया, नेपाल, ये नेपाल हो गया, यहाँ भूटान हो गया, और पूर्व में ये हमारा पूर्व वाला एरिया है, म्यांमार और बांग्लादेश से मिलती है, ये बांग्लादेश हो गया और यहाँ पर हो गया म्यांमार। तो ये कौन से हैं, उत्तर के बता दिए, पश्चिम के बता दिए और पूर्व के बता दिए। दक्षिण में समुद्र पार दो पड़ोसी द्वीप समूह हैं और ये दक्षिण की बात हो रही है। तो यहाँ दक्षिण में देखो, यहाँ पर बोला गया कि दक्षिण में समुद्र पार दो पड़ोसी द्वीप समूह हैं, श्रीलंका और मालदीव। ये यहाँ पर हो गया श्रीलंका और यहाँ हो गया हमारा मालदीव। तो ये भी क्या है, हमारे पड़ोसी देश हैं, कहाँ के, दक्षिण के, ये हमारा दक्षिण वाला पार्ट है। तो दक्षिण के दो पड़ोसी देश कौन से हैं, ये वाले हैं। और ये कौन से हैं, तटीय हैं, क्योंकि तटीय तट का मतलब क्या होता है, किनारा, जो पानी से जुड़े हुए हैं, और स्थलीय क्या होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए, जो ऊपर वाला एरिया है, हमने जो इसकी किलोमीटर में एरिया देखा था 15,200 किलोमीटर था और द्वीप समूह को मिला के कितना था, 7,516 था। और यदि दोनों द्वीपों को, हम लक्षद्वीप को और अंडमान को हटा देते हैं, तो कितना था, 6100 किलोमीटर। तो बेटा, ये आपको चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्हीं में से छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी और छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि है। ये यहाँ पर देखो, ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोला गया, मन्नार की खाड़ी, भारत को और श्रीलंका इन दोनों के बीच को जो जोड़ने वाली क्या है, इसको पाक जल संधि भी बोला जाता है और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है। मालदीप लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण पे में स्थित है, ये हमारा लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा है, ये यहाँ पर मालदीव स्थित है। जल संधि या जल डमरू मध्य, जो जल संधि किसे कहते हैं या जल डमरू मध्य किसे कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। दो बड़े जलीय भागों को जोड़ने वाली एक संकरी जल राशि होती है। ये इधर वाला हो गया और इधर वाला हो गया, दोनों भागों को जोड़ने वाली ये एक संकरी जल राशि होती है जिसे जल संधि कहते हैं। खाड़ी, अब खाड़ी के बारे में बताया गया कि समुद्री जल का एक ऐसा भाग होता है जो तीन तरफ से भूमि से घिरा होता है। खाड़ी क्या हुई, ऐसा रास्ता जो तीन साइड से किससे घिरा होता है, पानी से घिरा होता है। जैसे बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, तीन साइड से कहाँ से घिरी हुई है, भूमि से, इस साइड से, इस साइड से, और ये यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह श्रीलंका, तो ये तीनों तरफ से किससे घिरी हुई है, ज़मीन से घिरी हुई है। वैसे ही है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी कहाँ है, ये गुजरात वाला एरिया, यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी। अब इसमें आगे देखते हैं, ये अब हमारे क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। मानचित्र की सहायता से भारत के उन पड़ोसी देशों के नाम लिखिए जो चारों तरफ से स्थल क्षेत्र से घिरे हैं, स्थल मतलब भूमि से घिरे हुए हैं।
भूमि से घिरे हुए कौन कौन से हैं, यहाँ से शुरू हो जाइए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद चीन है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको, जो चैप्टर की वीडियो है उसमें, बचपन में बीए, बचपन में बीए। देखो, बा से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ये हमारे सारे देश इसमें कंप्लीट हो जाते, तो ट्रिक आपको अच्छे से याद भी रह जाएगी, तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश कौन से हैं और ये कहाँ स्थित हैं। दो द्वीपीय पड़ोसी देश, द्वीपीय का मतलब है कि ये लक्षद्वीप हो गया हमारा, ये भारत के दो द्वीप कौन से हैं, लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप। में द्वीपीय देश बोला है इसने, तो देश कौन कौन से हैं जो जल के साथ हमारे से टच में है और हमारे पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव, ये दोनों माने जाएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मानचित्र की सहायता से उन राज्यों के नाम लिखे जहाँ से कर्क वृत्त गुजरती है, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ये होगी हमारी कर्क रेखा। और कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये वाला देखो, इसके लिए भी एक ट्रिक है, गुरा माझा माछा झापा त्रिमी, देखो अभी मैं आपको समझाती हूँ, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। गुरा माछा झापा त्रिमी, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, इसको आप ट्रिक को याद कर लोगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी, वैसे आप एक दो राज्य स्किप कर दोगे, भूल जाओगे, तो आप ऐसे ही इनको याद कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत के पूर्वी तटीय राज्यों के नाम लिखिए, पूर्वी तटीय राज्य, पूर्व का कौन सा एरिया हमारा, ये हो गया हमारा दक्षिण, उत्तर, पश्चिम और पूर्व। इसने पूछा कि पूर्वी तटीय राज्य, तटीय राज्य पूर्व की साइड में कौन सा माना जाएगा, यहाँ पर यहाँ है पश्चिम बंगाल माना जाएगा, क्योंकि ये तट से लगा हुआ है, बाकी तो यहाँ से ज़मीन शुरू हो जाती है म्यांमार की, और इधर वाला एरिया पश्चिम बंगाल है, ओडिशा है, उसके बाद ये दक्षिण शुरू हो जाता है, दक्षिण का पूर्वी भाग हो जाता है, मेन हमारा है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाला एरिया, तो ये पूर्वी तटीय राज्य हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के पश्चिमी तट पर किस राज्य में आपको खाड़ी नजर आती है, इन खाड़ियों के नाम पता करके लिखिए। जो पश्चिमी तट है, ये हमारा पश्चिमी तट है, ये इधर वाला पश्चिमी तट है, ये इधर वाला पूर्वी है, उत्तरी और दक्षिणी। पश्चिमी तट पर कौन सी है, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है, जो कहाँ है, गुजरात में, तो कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है, गुजरात में है। तो बच्चों ये हमारी आज की वर्कशीट होगी कंप्लीट, आपको अच्छे से देखनी है, यदि एक बार में समझ में नहीं आती, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।